वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी ने सोशल मीडिया पर ईद की मुबारकबाद देकर मेरठ पुलिस को एक तरीके से चुनौती दे दी है। फिरोज ने दर्शा दिया है कि पुलिस दबिश दबिश खेल रही और वह खुलेआम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच आज कोर्ट ने याकूब के घर का कुर्की वारंट जारी कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने याकूब के घर के अलावा फैक्ट्री मैनेजर मोहित त्यागी की संपत्ति पर भी कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। फिरोज उर्फ भूरा की अग्रिम जमानत याचिका पर 12 मई को सुनवाई होनी है। पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई को भले ही आगे बढ़ा दिया हो, लेकिन कागजी कार्रवाई में इस बात की बहुत अधिक संभावना जताई जा रही है कि याकूब को गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट से कुछ राहत मिल जाए और इसके लिए बकायदा उसे समय भी दिया जा रहा है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट ऑन टीवी। बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी का एक वक्त रहा है जब शासन में प्रशासन को उसने अपने इशारों पर नचाया है। अब हापुड़ रोड स्थित उसकी मीट फैक्ट्री में पुलिस व प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से मीट की पैकेजिंग व प्रोसेसिंग होती पाई है। याकूब पत्नी व दोनों बेटों इमरान में फिरोज समेत करीब 17 लोगों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई। 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि याकूब परिवार गिरफ्त से बाहर है। आज सराय बहेली में स्थित याकूब के आवास पर बकायदा मुनादी कराकर नोटिस चस्पा कर दिया गया। देखिए खरपोटा के मुकदमा अपराध संख्या 131/22 धारा 417, 269, 270, 272, 173, 120 आईपीसी में लगातार बातचीत चल रहे थे। कारण माननीय न्यायालय ने धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषित अपराधी घोषित किया है। शीघ्र ही इनकी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में फर्स्ट बाइट टीवी को आईपीएस चंद्रकांत मीणा ने यह जानकारी दी। हाजी याकूब कुरैशी है, उनका परिवार है, उनके नाम पे एक अल फहीम मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है आपू रोड पे। ये सूचना मिली थी कि अवैध रूप से जो है इस फैक्ट्री को चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए मुकदमा लिखा गया है थाना खरपदा में, जिसकी बेचना किठौर से करी जा रही है। थाना किठौर से जो अभियुक्त हैं इसमें किसी भी तरह से पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और ना ही उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है। तो ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से 82 धारा के अंदर तो यह कार्रवाई करी गई। जब से मुकदमा पंजीकृत हुआ तभी से लोग फरार हैं। इसमें अब तक कुल 17 लोग आरोपी हैं, 10 लोग उसमें जेल जा चुके हैं। जैसे कि उन्होंने अभी पोस्ट डाली थी ईद मुबारक की, उससे कुछ क्लू मिला है क्या? उसकी अभी पुलिस छानबीन कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।